कहानी सुनाएंगे। कहानी पैसे लाया हूं मैं, आज बहुत पैसे लाया हूं। लड़की लड़के से कहती है कि तुम वो नहीं हो जो मैंने सोचा था, मैंने तुम्हें आजाद पंछी समझा मगर तुम हो लकीर के फकीर, और चली जाती है। हाँ। लड़का हिल जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, वो अकेला हो जाता है। अब इसके आगे क्या होता है? लकीर का फकीर, माँ, वो लड़का शहर छोड़कर चला जाता है, जंगलों में जानवरों के बीच में रहता है, पेड़ों से बातें करता है, हंसता है, भुली हंसी हंसता है, और देखता है हर तरफ, हर जर्रे में, हर बूटे में लैला लैला। ये मजनू की कहानी नहीं है, हा? ये वेद की कहानी है। कौन वेद? मैं। ये बंदा जंगलों में नहीं चला गया, ये शहर में ही रहता है। उसे सब कुछ बुरा लगने लगता है, सब कुछ खराब। उसके आसपास के लोग उसे शक की नजरों से देखना शुरू कर देते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, कहते हैं तुम नालायक हो, तुम पागल हो। वो कहता है कि तुम सब पागल हो, सब मिलकर उस पर जुल्म करते हैं, और वो चिल्लाता है अनलाक अनलाक। रुकिए, सारे मिलकर पकड़ लेते हैं उसे और जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। बात सुनिए, लेलाई कहते हैं कि ले जाओ इस कमबख्त को विलायत की सबसे ऊंची मीनार के ऊपर से नीचे फेंक दो, ताकि ये हीर को अपनी शक्ल तक दिखा सके। बात सुनिए, हीर तड़पती है, चिल्लाती है, हे स्वामी राम, हे मेरे राम। वो तो सामने भक्तों की भीड़ में खड़ा राम पिस्तौल निकालता है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या बता रहे? अरे क्या पूछ रहा है? मैं अपनी कहानी पूछ रहा हूँ, मेरी कहानी। तू है कौन, क्यों आया? मेरी कहानी में आगे क्या होता है? छोड़ा छोड़ा, बाहर निकल इसको, हट। आराम से बाबा, आराम। आगे क्या होता है? अरे क्या छुड़ाने आया तू? चले जाएंगे यहाँ से, नहीं है यहाँ कोई संजीवनी बूटी या कोई नूर या खुदा। शांत शांत, इसका दिमाग थोड़ा ऑफ है। क्या होता है? डरता है, डर लगता है, अपनी कहानी मुझसे पूछ रहा है। कायर किससे डरता है? है कौन यहाँ? तू बता क्या होता है, बता, बोल अपनी कहानी, क्या है तेरे दिल के अंदर, चाहता क्या है तू? मैं क्या चाहता हूं? अरे दिल में हीर लिए और हीर खोजे वीराने में, अरे भी धोखेबाज।